राजस्थान के बारां छिपाबड़ौद उपखंड एवं तहसील क्षेत्र में हुई लगातार मूसलाधार बेमौसम बरसात से किसानों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए हैं। क्षेत्र में सुबह शाम हुई बेमौसम बरसात से अफीम, धनिया, सरसों और गेहूं समेत अन्य कई फसलों में भारी नुकसान हो गया है, जिसको लेकर छिपाबड़ौद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मूलचंद शर्मा ने क्षेत्र के गुलखेड़ी, हरनावदा, जागीर, पछाड़, गोरधनपुरा, राजपुरा, देवरी आदि गांव का दौरा कर किसानों की समस्याओं के हालचाल जाने और सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की। ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अनीस खान ने बताया कि बेमौसम बरसात, तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश से किसानों की तैयार गेहूं, सरसों, चना, अफीम की फसल खेत में गिरकर बर्बाद हो गई है। बड़ी संख्या में किसानों की काट कर रखी फसल पानी में डूबे रहने से बर्बाद हो रही है। किसान कड़ी मेहनत से तैयार की गई अपनी फसल को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता देखने को मजबूर है। गांव का दौरा कर किसानों की समस्याओं के हालचाल जाने और सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग की। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।